भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले चंद्रयान इसरो LVM3M4 का सफल लॉन्चिंग किया गया था, जो पूरे देश के लिए खुशी का पल था। इस थीम को बिहार राज्य के सहरसा जिला मुख्यालय में ताजिए की जगह उतारा गया। मुहर्रम पर्व में जगह जगह ताजिया बनाने, झांकी निकालने और लाठी खेलने की परंपरा काफी पुरानी है। सभी जगहों पर लोग अपने अपने पसंद का ताजिया बनाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से मुहर्रम मेला समिति मछली मार्केट DV रोड वार्ड नंबर 14 सहरसा के द्वारा बनाया जा रहा ताजिया देश की धरोहर की थीम पर बनाया जा रहा है। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला या फिर इस साल चंद्रयान बनाने की बात हो, यहाँ से एक अलग मैसेज लोगों के बीच जा रहा है। इसानी निवासी लुकमान अली ने बताया कि आपसी सौहार्द के साथ हम लोग हर त्योहारों ऐसे ही मन इसानी निवासी लुकमान अली ने बताया कि आपसी सौहार्द के साथ हम लोग हर साल त्योहार मनाते हैं। देश की धरोहर की थीम लेकर मुहर्रम त्योहार देश और समाज को समर्पित करते हैं। बताइए, आप लोग किस तरह से मुहर्रम का त्योहार मना रहे हैं और किस तरह से निकाले? भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा जुलाई 2023 में जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, उसी के अच्छे प्रेरणा के लिए हम लोग दुआ करते हुए चंद्रयान 3 का नक्शा तैयार किए। हम लोग DV रोड मछली मार्केट वार्ड नंबर 14 से है और हर साल की बात, इस साल भी कुछ नया हील निकालते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद आलम। बताइए, किस तरह से मुहर्रम का त्योहार मना रहे हैं और जहां लोग ताजिया बनाते हैं वहां पे अलग तरह की आकृति बना के समाज को संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मछली मार्केट DV रोड के युवाओं के द्वारा जो है प्रत्येक वर्ष मुहर्रम के अवसर पर आपसी समरसता, भाईचारा, देश की अखंडता को देखते हुए प्रत्येक वर्ष भारत के धरोहर का जो प्रतीक है उसको हम लोग यहाँ बना करके समाज में उतारने का प्रयास करते हैं और दिखाने बताने का प्रयास करते हैं कि हम लोग पुरखों से एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और अभी जो आप चंद्रयान 3 देख रहे हैं, यह अभी सफल परीक्षण जो हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा जो परीक्षण किया गया और वो सफल हुआ, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आज इसको इसके रूप को प्रकट करके शहर में भ्रमण करेंगे और ऊपर वाले से यह भी दुआ करेंगे कि जो हम लोगों के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को ऊपर भेजा है वो सफल हो और कामयाब हो। मोहम्मद लुकमान अली।